गिरना उठना कर्म है, गिरना भी कर्म है और उठना भी कर्म है। तो कर्म के सहारे मनुष्य उठता है और कर्म के सहारे गिरता है। अजामिल ने अच्छे अच्छे कर्म किए, उठ गया, बुरे बुरे कर्म किए, गिर गया। अब गिर गया तो फिर अच्छे कर्म में जाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं रहा, अब भगवान ही उसको उठा सकते हैं। मनुष्य की आदत बिगड़ जाती है तो उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। यथा ही मलिनैर वस्त्रैर यत्र तत्रोपविश्यते एवं चलित वृत्तस्तु वृत्तशेषम् न रक्षते। आदमी मैला कपड़ा, गंदा कपड़ा पहनने की आदत डाल ले तो उसको आसन की जरूरत नहीं रहेगी, चाहे जहां बैठ जाएगा धरती में बैठ जाएगा। यथा ही मलिनैर वस्त्रैर यत्र तत्रोपविश्यते कहीं भी बैठ जा। एवं चलित वृत्तस्तु वृत्तशेषम् रक्षति, जिसका आचरण गिर जाता है, जो आचरण भ्रष्ट हो जाता है, वो ऐसा नहीं है कि एक अंश में वो आचरण भ्रष्ट रहेगा और दूसरे अंश में अच्छे आचरण वाला रहेगा। जब गिरने की आदत पड़ जाएगी तो वो कहीं भी गिर सकता है और किसी विषय में भी गिर सकता है। ईश्वर पर विश्वास नहीं, धर्म में आस्था नहीं और अपने मन इंद्रियों को रोकने का सामर्थ्य नहीं, धृति नहीं, तो वो एक जगह ही नहीं गिरेगा, जगह जगह गिरेगा। फिर वो भोग के लिए गिरेगा, फिर वो धन के लिए गिरेगा, फिर वो प्रतिष्ठा के लिए गिरेगा, गिरा तो गिरा। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को भगवान ही उठा सकते हैं। हमने गिरने वालों से खूब बातचीत की है, बोला बड़ा प्रेम, बड़ी अंतरंगता, वो अपने उठने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जब पौधा खेत में गन्ना होता है ना, गन्ना दूर से आंधी चलती है तो कभी कभी गिर जाता है वो, तो कई पौधे थोड़े बहुत उठ के खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अधिकांश को तो वो किसान जो है वही उठा उठा के और आपस में बांध बांध के उनको खड़ा करता है। तो आपको क्या सुना रहा था, जो गिरने के आदि हो जाते हैं वो कहते हैं कि धर्म तो प्रकृति के विपरीत है। अरे जो प्रकृति से होता है सो होने दो, वो विज्ञान से बुराई का समर्थन करते हैं, हैं तो बेवकूफ। अच्छा, भक्ति से भी बुराई का समर्थन करते हैं, कि ईश्वर जो कराता है सो होता है, हम क्या करें, ईश्वर कराता है सो होता है, करते हैं बुराई अपने मजे के लिए करते हैं और नाम ईश्वर कर देते हैं। ज्ञान से भी बुराई का समर्थन करते हैं,
हम तो अकर्ता हैं, अभोक्ता हैं, देह से परे हैं, अंतकरण से परे हैं, दृष्टा मात्र हैं, हमारे अंदर सब मिथ्या है, कर्तव्य साफ करो बुराई। तो बोले ये तो देह से होता है महाराज, हम तो बिल्कुल असंग हैं। तो ये सब जो हैं, ये बुराई के समर्थन में विज्ञान की या प्रकृति की या भक्ति की, ईश्वर की और या ज्ञान की जितनी दुहाई दी जाती है वो सब मिथ्या है, बुराई का समर्थन करने के लिए नहीं है। असल में बुराई मिटने पर ही प्रकृति क्या है ये ज्ञान होता है, ईश्वर क्या है ये ज्ञान होता है, आत्मा क्या है ये ज्ञान होता है। इसलिए जो लोग उल्टी चाल से चलते हैं उनको सहयोग देने की कोई जरूरत नहीं। तो अब ऐसी हालत में रक्षा कौन करे? बोले भाई खेती जब बिगड़ने लगती है तो किसान रक्षा करता है, बच्चों को कोई रोग हो जाता है वो अपनी दवा दारू नहीं कर सकते हैं तो माँ बाप उनकी दवा दारू करते हैं। तो ईश्वर ही पुष्टि देता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि एक होती है भक्ति और एक होती है पुष्टि। भक्ति और पुष्टि दोनों अलग अलग है। तो जीव ईश्वर के लिए जब कुछ करता है तो उसका नाम भक्ति हो जाता है। जीव ईश्वर के लिए कुछ करे, पूजा करे, ध्यान करे, प्रार्थना करे, नामोच्चारण करे तो उसका नाम भक्ति। परंतु ईश्वर जब जीव की भलाई के लिए कुछ करता है तो उसका नाम पुष्टि हो जाता है। पुष्टि जैसे किसान अपने खेत में खाद डालता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे की दवा करते हैं, उसको पौष्टिक औषधि देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, इसी को पुष्टि बोलते हैं। तो एक तो मनुष्य कर्म से भ्रष्ट होता है और दूसरे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे मजबूर हो जाता है, मजबूरी भी होती है। मन समष्टि जब बिगड़ने लगती है ना, कई दुकानदार ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ईमानदारी से अपनी दुकान पर वस्तु बेचें, तो वो बताते हैं कि मोहल्ले के सब व्यापारी मिलके हमको घेरते हैं, कैसा करोगे तो हम उखाड़ देंगे, तुम हमसे मिल के चलना पड़ेगा, जो भाव हम बेचे उसी भाव बेचो, जैसा माल बेचो। ये परिस्थिति हुई, 10 आदमी मिल गए, वो चोर चोर मिल गए, डाकू डाकू मिल गए, परिस्थिति बन गई। और एक किसी किसी का स्वभाव ही वैसा होता है। तो तीनों बात हमें चाहिए, एक तो कर्म बदले और एक परिस्थिति बदले और एक स्वभाव बदले। और ये तीनों बदलने का काम भगवान करता है। कैसे करता है? तो वेदांतियों का ऐसा कहना है कि आपस में समसत्ता, जिनकी लक साधक बाधकता तिनके। जागृत में प्यास लगे और सपने में देखें कि गंगा जी बह रही है तो सपने की गंगा जी से जागृत की प्यास नहीं बुझ सकते, या जागृत अवस्था में गंगा जी के अंदर नाव पर सो रहे हों, बह रही हो गंगा और सपने में प्यास लग जाए तो जागृत की गंगा से सपने की प्यास नहीं बुझ सकते। तो भगवान भी जैसा रोग होता है वैसी दवा देते हैं। यदि मनुष्य कर्म से भ्रष्ट हो रहा है तो भगवान उसको पहले नाम देते हैं अपना, क्योंकि नाम भी कर्म है। जीभ से बोला जाता है ना, जीभ में दो इंद्रिय हैं, एक कर्मेंद्रिय और एक ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय से बोला जाता है और ज्ञानेंद्रिय से स्वाद आता है। ये मनुष्य के शरीर में जिह्वा एक ऐसी इंद्रिय है जिसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों सम्मिलित हैं। जिह्वा में सम्मिलित रूप से हो वाक शक्ति और स्वाद शक्ति, आस्वादन की शक्ति, दोनों एक साथ हैं। हम भगवान ने कहा कि आदमी बोले तो थोड़ा मजा ले लेके, स्वाद ले लेके बोले,
वो साने न लग गया है ना, जो मन में आया सो बकने लग गए। ये हमारी माताएं होती है ना, सामने खड़ी होकर बात करती हैं तो बड़ा मधुर बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, बड़ी सभ्यता से बोलते हैं। लेकिन हमने देखा है कभी कभी जब नौकर को पुकारना होता है तब उनकी असली आवाज का पता चलता है। हाँ, उसमें बिल्कुल मिठास नहीं होती है और चिल्ला के बोलती हैं, हैं? कर्णभेदी, कहाँ कर्णभेदी ध्वनि होती है उनकी, काम फट जाए, इतने जोर से बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। और जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तब फिर तो मजा ही आ जाता है। तो अपने स्वभाव को छिपा के रखते हैं, बोलने भी तो आना चाहिए ना, सत्य बोलें, हितकारी बोलें, थोड़े में बोलें, समय के अनुसार बोलें, प्रिय बोलें, बोलना भी तो आना चाहिए ना। तो भगवान देखते हैं कि ये पांव नहीं संभाल सकता, हाथ नहीं संभाल सकता, दूसरी कर्मेंद्रियों को नहीं संभाल सकता, तो कर्मेंद्रिय जिह्वा को अपना नाम दे देते हैं। ये पुष्टि है, हो करुणा, कोई भी नाम, नामना अकार बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान ने अपने नाम बहुत बना दिए लेकिन किसी को कोई पसंद ही नहीं आता। अरे भाई, लाखों नाम है भगवान के। एक बार एक सज्जन कुछ आर्थिक दृष्टि से दुखी हो गए थे तो वो नौकरी नहीं कर सकते थे बेचारे, बड़े आदमी, पहले बहुत बड़े आदमी थे, बाद में गरीब हो गए और वृद्ध हो गए थे। तो ये हुआ कि इनकी मदद कैसे की जाए। बोले अच्छा तुम ये ढूंढो कि शास्त्रों में भगवान के नाम कितने हैं। कहा ये तो ढूंढेंगे। तो बोले कि फिर तुमको रोटी तो चाहिए खाने को, कपड़ा तो चाहिए ना, तो तुम तनख्वाह नहीं लो, रोटी कपड़े के लिए निर्वाह व्यय लो और भगवान के नाम ढूंढो। तो आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं ना, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। उन्होंने 1,27,000 नाम भगवान के संग्रह किए थे, 1,27,000। और उनका ये कहना था, वो सब रखे हुए हैं, संग्रह करके रखे हुए हैं, अब छापने में तो बड़ा भारी पोथा हो जाएगा ना। तो उनका कहना था कि 1,00,000 नहीं, अगर हम शास्त्रों में से 1,00,00,000 नाम भी निकाल लें तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो इतने तो हैं भगवान के नाम, उनमें से कोई आपको पसंद है कि नहीं। अरे ओम पसंद हो, सोहम पसंद हो, राम पसंद हो, नारायण पसंद हो, शिव पसंद हो, कोई नाम पसंद है कि नहीं। बोले अपने तो पसंद ही नहीं है। और भगवान ने अपने एक एक नाम में अपनी सारी सारी शक्ति दे दी है, इस व्यस्ति जीवन को समष्टि के साथ जोड़ने के लिए, इस जीव को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए, अपने जीवन में जो कर्मगत त्रुटि है उसको जिह्वा के द्वारा उच्चारण रूप, नामोच्चारण रूप कर्म से उन त्रुटियों को दूर करने के लिए, जैसे जल काई से बिल्कुल छिप गया हो, उसमें एक ढेला फेंक दिया जोर से, काई कट गई और पानी दिखने लगा, वैसे अपने अंतकरण में चाहे कितनी भी वासनाएं भरी हुई हो भगवान का नाम उसमें डालो। जैसे फिटकरी डालने से पानी की गंदगी दूर हो जाती है, वैसे भगवान का नाम डालने से भीतर अपने क्रियागत जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये भगवान ही नाम की दवा देते हैं। अल्प तपसाम विश्वासो नैव जायते, पापी मनुष्य जो हैं अथवा अल्प तपस्वी जो मनुष्य हैं उनका भगवान के नाम में जल्दी विश्वास नहीं होता। तो कर्म का दोष हरण करने के लिए, अजामिल के जीवन में जो कर्म का दोष था उसको हरण करने के लिए भगवान का नाम आया। एक नाम का चमत्कार आपको सुनाता हूं। वैसे घटनाएं तो घटती रहती हैं पर आप इसी समय नाम ले लें। एक बार बोले कृष्ण कृष्ण, राम राम, नारायण नारायण, ओ ओ। हम लोगों का शब्द में कोई पक्षपात नहीं होता है,
यही नाम सबसे बड़ा है। वो तो भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, एक नाम एक संप्रदाय बोलता है राम अच्छा है, दूसरा बोलता है कृष्ण अच्छा है, तीसरा बोलता है नारायण अच्छा है, चौथा बोलता है शिव अच्छा है। वो संप्रदाय की बात हम नहीं लेते हैं। अब ये नामोच्चारण के बाद और मरने से पहले आप कोई पाप न करें, आपका कल्याण हो जाएगा। अभी नाम अभी ले लो और मरने के पहले कोई पाप नहीं करना। बोले महाराज हो जाए तो क्या करें, अगर हो ही जाए तो फिर नाम लेना और फिर उसके बाद और मृत्यु तक पाप नहीं करना। अंत में मृत्यु के पहले सब पापों के बाद और मृत्यु के पूर्व जो भगवान का नाम रहेगा वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। ये बात श्रीमद् भागवत में ये अजामिल के प्रसंग में आई है। तो नाम के रूप में मनुष्य के जीवन में भगवान का अवतार होता है, जैसे रूपावतार होता है ऐसे नामावतार होता है, और नामावतार होने से सत्कर्म जो है उसका उदय होता है, ईश्वर के साथ संबंध जुड़ता है, ईश्वर पर दृष्टि जाती है, उसमें गुरु आता है, शास्त्र आता है, संप्रदाय आता है, नाम सबको अपने आप ही बुला लेता है। दूसरा दोष है परिस्थिति का। तो यदि आप अपने आप को परिस्थिति का खिलौना बना देंगे, रोज कोई न कोई हवा बदलती रहती है। हम वृंदावन में रहते हैं तो कभी वहां कांग्रेस का जोर हो जाता है तो कभी जनसंघ का जोर हो जाता है तो कभी स्वतंत्र पार्टी के सदस्य आ जाते हैं। हवा तो बदलती रहती है। अब हर हवा में हम बह जाएं तो अपने अंदर दृढ़ता कैसी होगी। आके लोग सलाह देते हैं महाराज तुमको ये काम करना चाहिए, इस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, इस संप्रदाय में आ जाना चाहिए। अब सभी अपने अपने पंथ और अपने अपने संप्रदाय को लिए डोलते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि हमारी कोई समझदारी नहीं है, हमारा कोई संप्रदाय नहीं है, हम परिस्थितियों के बारे में ठीक ठीक उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, समीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का उपाय ये है कि उस समय चुप हो जाओ, ध्यान। अब परिस्थितियां बाहर बह रही हैं, परिस्थिति की आंधी बाहर बह रही है, परिस्थिति की बाढ़ बाहर आ रही है, परिस्थिति की गर्मी बाहर पड़ रही है, ये काल का प्रभाव है ना, काल का। तो ध्यानस्थ हो जाओ। तो ध्यान का भगवान जिसको काल से बचाना चाहते हैं उसको ध्यान दे देते हैं। देखो ये चांगदेव जोगी थे ना, तो मृत्यु आती थी उनके जीवन में और वो समाधि लगा के बैठ जाते थे। 14 बार मृत्यु आई और चली गई, हैं 1400 बरस उनकी उम्र हो गई, मरे नहीं। तो काल पर विजय प्राप्त करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती। जितनी देर मनुष्य का सच्चा ध्यान होगा उतनी देर तक 3 चीज उसके जीवन में नहीं रहेगी। एक तो दुख, ध्यान होगा तो दुख कहां से रहेगा, और एक जड़ता। ध्यान तो होश आवास में होता है, बेहोशी में थोड़ी होता है। और तीसरे मृत्यु, और ध्यान हो रहा है तो मृत्यु का है। 3 चीज नहीं हो सकती भगवान का ध्यान। तो 3 अध्याय में 6ठे स्कंध के नाम का श्रवण, नाम का कीर्तन और नाम का स्मरण, ये 3 अध्याय का नाम का प्रकरण है कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए। और 14 अध्याय में ध्यान का प्रकरण है परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए। उसमें 14 अध्यायों में 14 प्रकार के ध्यान का निरूपण है ना। अब वो तो एक एक अध्याय अगर पढ़ के सुनाना हो ना आपको तो बतावे कि उसमें दक्ष जो है, वो भगवान के रूप का ध्यान करता है। त्रैलोक के सुंदरम रूपम विभ्रत, भगवान दक्ष के सामने प्रकट होते हैं त्रैलोक के सुंदर त्रिभुवन मोहन रूप धारण करके, नेत्र तृप्त हो जाते हैं।
तो शिव जी का अपमान करने से दक्ष में जो दोष आया था भगवान के ध्यान से उसकी निवृत्ति हो गई और फिर सामर्थ्य का उदय हो गया। उसके पुत्र हर्यश्व सबलाश्व हुए, ये सब कथा उनको नारद जी ने उपदेश कर दिया। बोले अरे बाबा भगवान का भजन करो, क्या झगड़े में पड़ते हो, तो थोड़ी वैराग्य की बात है आपको नारायण उसमें से सुनाते हैं थोड़ी सी बात। नौ बात, एक ही वाक्य श्रीमद् भागवत में बोला गया है हर श्लोक में लगातार हो। नारद जी ने कहा कि बाबा भगवान का भजन करो, तुम लोग किस चक्कर में पड़ते हो। दक्ष का कहना था कि सृष्टि बढ़ाओ, बच्चे खूब पैदा होए, तो जाए वो पुत्रैषणा साएव दारैषणा, ये श्रुति में ऐसा कहा गया है कि पुत्र की इच्छा होना और पत्नी से भोग की इच्छा होना ये दोनों दो इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है। जा एव दारैषणा सा एव पुत्रैषणा, जा एव पुत्रैषणा सा एव दारैषणा। तो दक्ष ने कहा कि खूब दो बच्चे पैदा हों और वो बड़े प्रभावशाली हों, वो बड़े तपस्वी हों, फिर वो सृष्टि को बढ़ावें, वो सृष्टि पर राज्य करें, ये लालसा दक्ष के मन में थी। तो मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा कि बाबा तू तो भगवान का भजन कर, तो हर्यश्व और सबलाश्व दोनों को ही उन्होंने भगवान का भजन करने में लगा दिया। तो नारद जी ने ऐसी बात उनको बताई कि संसार में क्या रखा है, भजन करो। अब ये बात हम आप लोगों को करने के लिए बिल्कुल नहीं बताते हैं, है ना, ये सांस्कृतिक ज्ञान के लिए बताते हैं, है ना। सांस्कृतिक ज्ञान क्या होता है कि हमारे पुरखा लोग जो हैं वो सिर्फ इसी ढंग से नहीं सोचते थे कि हमारे पास ज्यादा धन हो जाए या मकान हो जाए या बच्चे हो जाएं या भोग मिले तो हम सुखी हो जाएंगे। आपके सोचने का ये ढंग है, आप ऐसे सोचते हैं कि हमारे मकान बहुत हो, धन बहुत हो, स्त्री हो, पुत्र हो, प्रतिष्ठा हो, कुर्सी हो, स्वास्थ्य हो, हम खूब खूब काम करें तो हम सुखी हो जाएंगे। ये आपके सोचने की एक शैली है, ये भी है, बहुत बढ़िया है, इस पर हमको कोई कटाक्ष नहीं है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पर दक्ष ने कहा कि कर्म करो, भोग करो, बच्चे पैदा करो। नारद ने कहा कि भगवान का ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो। तो वो जो हर्यश्व और सबलाश्व थे दोनों, दोनों की बारी बारी से बात आई है, हमको एक में मिला चुके। उन्होंने जाके एकांत में ये विचार किया, पहला विचार कि किमसत कर्म भिर भवे, इन असत कर्मों से, असत माने दुष्ट, ये दुष्ट कर्म हमारा क्या क्या लाभ, हमको ये क्या फायदा देंगे, इनसे क्या मिले। तो आपको इसलिए सुनाते हैं कि आप एक पक्ष की बात सोचते हैं, सुनते हैं, हमारे नेता हैं, सरकार हैं, विश्व के वैज्ञानिक हैं, विश्व के बहिर्मुख विद्वान हैं, जो केवल कर्म और भोग और दुनियादारी की ही बात सोचते हैं, तो एक पक्ष की बात तो आपकी बहुत सुनी हुई सोची हुई है, परंतु दूसरे पक्ष पर आपने कभी विचार किया है कि नहीं। अगर विचार नहीं किया है तो थोड़ा दूसरे पक्ष की बात भी सुनना चाहिए। हमको किसी पक्ष का वकील नहीं समझना हो, हम तो आपको केवल
ये बताते हैं कि देखो ये बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। और अब आप कहने लगो कि यहाँ बड़ का क्यों बताया, यहाँ पीपल का क्यों बताया? बोले है इसलिए बताया। तो बोले तुमने लगाया क्यों? कहा हमने लगाया नहीं बाबा, है ना, हम हाथ जोड़ते हैं, है ना, ये हमारे लगाए हुए पेड़ नहीं है। तो ये कहते हैं कि एक लिंग शरीर है, उसमें वासनाएं रहते हैं और वासनाएं अंकुरित होती रहते हैं, और उन्हीं वासनाओं के अनुसार जब कुछ पाने की इच्छा होती है तब कर्म होता है। अब देखो आप कर्म करोगे तो पाप पुण्य होगा, और पाप पुण्य होगा तो उसके फल स्वरूप सुख दुख और पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। तो जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, उसका कभी भंग नहीं होगा। वासना के अनुसार कर्म होगा और कर्म के अनुसार भोग मिलेगा, भोग करने पर फिर वासना होगी, वासना से कर्म होगा, और आप बिल्कुल परतंत्र जैसे कोई कठपुतली हो, ये तीनों मिल के आपको हमेशा नचाते रहेंगे। कर्म करने से भोग होगा और कर्म और भोग दोनों से वासना बनेगी, और वासना के अनुसार फिर कर्म और भोग मिलेगा। आप कभी इस संसार से छूट नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप परतंत्र रहेंगे, निरंतरम बंधः पारतंत्र में वो। तो पहली बात ये कही गई कि जिससे तुम बंधन में पड़ते हो, परतंत्रता आती है, गुलामी आती है, तुम्हारा स्वातंत्र जाता रहता है, ऐसे पदार्थों के चक्कर में तुम क्यों पड़ते हो? उन्होंने ये सोचा कि मसत कर्म भिर भवे, ये बंध हेतु जो कर्म है जिससे हमको प्रजा हो, हमको पत्नी मिले, हमको हो संसार में राग द्वेष होवे, हम अपने शरीर को लगाए रखें, उस कर्म में क्यों लगते हो? अब भागवत का एक पक्ष देखो आपने, नारायण, ये श्रीमद् भागवत की एक बात, नौ में से एक बात। अब दूसरी बात आई कि ये कर्म तो स्वप्नवत है। आपको देखो, आप जब 15 बरस 6 महीना 3 दिन और 3 घंटे की उम्र थी, तो आपने उस दिन क्या किया था बता सकते हैं? अच्छा 15 बरस का नहीं बता सकते, 25 बरस वाला बताइए। 25 बरस 3 महीना 3 घंटा 30 मिनट जब आपकी उम्र थी, तो उस समय आपने क्या किया था? अरे कोई कोई कर्म याद रह जाते हैं वो जिनका बहुत नहीं, तो सब स्वप्नवश है ना, जैसे ये आए हुए सपनों की याद नहीं रहती, इसी प्रकार किए हुए कर्मों और भोगों की, जिनको हम बड़े चाव से करते हैं, जिनके द्वारा अपने को विपत्ति में डाल देते हैं, तो असल में अपने तुरीय स्वरूप का यदि ज्ञान नहीं हो तो ये प्राज्ञ तेजस और विश्व, ये जो कारणावस्था सुषुप्ति स्वप्न और जागृत हैं, ये अपने स्वरूप के अज्ञान से स्वप्न है। तो जो अज्ञान के वशीभूत होकर के बेहोशी में जो काम हम करते हैं, जागृत अवस्था से अलग होकर के स्वप्न अवस्था में जो काम करते हैं, तो उसकी क्या कीमत होती है दुनिया में? तो ये तो अपने स्वरूप कि मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण हूँ, अपने तुरीय स्वरूप में जागे बिना माया की सुषुप्ति, माया का स्वप्न, माया का जागृत और उसमें होते हुए कर्म। बोले ये बाबा ये क्या है? किसी ने कहा कि ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, स्वप्न की आज्ञा और स्वप्न की वस्तु, उससे मनुष्य का क्या कल्याण हो सकता है? तीसरी बात ये बताई कि जो तुम कर रहे हो संसार में वो तो विनाशी है। यदि अपने अविनाशी आत्मा को नहीं जानोगे तो बाहर जिन जिन वस्तुओं को तुम प्राप्त करोगे, धन चला जाएगा, मकान गिर जाएगा, संसार के संबंधी बिछुड़ जाएंगे, शरीर परिणामी है बदल जाएगा, तो अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना तुम कहाँ लगे हुए हो
ऐसी चीजों में लगे हुए हो जो चिरकाल स्थायी नहीं है। ये तीन बात है। चौथी बात क्या है, क्या तुम जिसमें लगे हुए हो वो सर्वोत्तम है? जब सर्वोत्तम नहीं है, सबसे श्रेष्ठ नहीं है, तो उसमें तुम क्यों फंसे हो? जो तुम काम कर रहे हो उससे क्या सर्वोत्तम मिलेगा? सर्वोत्तम तो नहीं मिलेगा। तो जिससे सर्वोत्तम नहीं मिलता उसमें क्यों फंसे? पांचवी बात ये कही गई कि तुम कुबुद्धि पूर्वक हीन पदार्थ से उत्पन्न जो सुख है उसको चाहते हो। जो सत्य से मिले पवित्र वो नहीं चाहते, जो झूठ से मिले वो चाहते हो। जो अहिंसा से मिले वो नहीं चाहते, जो हिंसा से मिले सो चाहते। जो ईमानदारी से मिले सो नहीं चाहते, जो बेईमानी से मिले सो चाहते। तो लोभ की प्रधानता से हिरण्यकशिपु हो गया, काम की प्रधानता से रावण हो गया, लोभ की प्रधानता से शिशुपाल दंतवक्त्र हो गए। तुम भी यदि काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो करके, हीन के बस में होकर, एक डाकू के चेला बन करके, एक चोर के मददगार बन करके, यदि दुनिया में तुमने हीन कर्म के द्वारा, दुराचरण के द्वारा यदि कुछ प्राप्त भी किया, तो क्या प्राप्त किया? किमसत कर्म फिर भवेत, इससे तुमको क्या मिलता है? आपके ध्यान में बात आ गई क्या? का एक तो जो तुम कर रहे हो उसमें परतंत्रता है कि नहीं? एक बंदर था, वो बंदर बहुत बढ़िया अच्छा बंदर था। एक मदारी की इच्छा हुई कि इसको पकड़ेंगे तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। उसने क्या किया, एक छोटे मुंह वाले बर्तन में चने डाल दिए और बर्तन को गाड़ दिया धरती में और मुंह खुला रख दिया। अब वो बंदर आया तो देखा उसने कि ये भाई यहाँ पे कोई बर्तन गड़ा हुआ है, इसमें क्या है? चने की गंध आई, वाह 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 कैसी सौंधी सुगंध है। अब उसने हाथ डाला, बंदर ने हाथ डाला छोटे मुंह के बर्तन में और भर मुट्ठी चना लिया। अब जब हाथ निकालने लगा तो निकले नहीं, तो वो चना तो छोड़े नहीं और हाथ निकले नहीं। इतने में आया मदारी पकड़ने के लिए। अब वो चने की लालच में, मुट्ठी भर चने की लालच में बेचारा मदारी के हाथों पकड़ा गया और जिंदगी भर अब मदारी उसको नचाता रहा। तो जो काम तुम कर रहे हो उसमें परतंत्रता आती है कि नहीं? जो काम तुम करते हो वो स्वप्नवत, उसका बाद में विस्मरण हो जाता है कि नहीं? वो स्वाप्निक है कि नहीं, महत्वहीन है? और जो काम तुम करते हो उससे विनाशी पदार्थ प्राप्त होता है कि अविनाशी? उत्तम प्राप्त होता है कि हीन प्राप्त होता है? तुम्हारा जो साधन है वो हीन है कि बड़ा है? क्या तुम ऐसा काम कर रहे हो जिससे बारंबार जन्म होए और बारंबार मृत्यु होए? ये छठी बात है। तो बारंबार जन्म और मृत्यु में डालने वाला, बार बार जेल खाने में ले जाए और निकाले, ले जाए और निकाले, ये कौन सी बढ़िया बात हुई? देखो, तुम अपने को देह हड्डी मांस चाम का पुतला जान करके और इसकी भलाई के लिए प्रवृत्त हो रहे हो कि अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य जान करके उसकी भलाई के लिए प्रवृत्त हो रहे हो? यदि देह की भलाई के लिए ही तुम्हारी सारी प्रवृत्ति है और आत्मा की भलाई तुमसे छूट गई है, तो आत्मा की भलाई छूट गई है तो बहुत बड़ी हानि हुई है। तो तुम भगवान की इच्छा से चलते हो कि अपनी इच्छा से चलते हो? जो काम तुम करते हो उससे भगवान की भक्ति बढ़ती है कि संसार का मोह बढ़ता है? ये आठवीं बात हुई। नवीं बात ये है कि जो काम तुम करते हो उससे भय शोक की प्राप्ति होती है कि नहीं? तो क्या तुम स्वयं भय देने वाले काम में लगे हुए हो? इन नौ बातों का विचार किया, छठे स्कंध में ये कथा आई हो, ये नौ बातों का विचार किया हरजस्व और सबलासों ने और वो भगवान के भजन में लगे।
तो भगवान ने दक्ष का भी भला किया और उनका भी भला किया। दक्ष सृष्टि बढ़ाने में लगे हैं, भगवान उनको भी पुष्टि देते हैं, और हरजस सबलास भजन में लगे हुए हैं, उनकी भी पुष्टि देते हैं, उनके पुत्रों को भी पुष्टि देते हैं। एक ऐसा प्रसंग आया है, विलक्षण है वो, वेदांती लोग जो है ना, आजकल तो वेदांती लोग इतने ही विचार करते हैं ना कि जैसे घड़े का दृष्टा घड़े से न्यारा, वैसे देह का दृष्टा देह से न्यारा। इसमें एक वेदांत ऐसा आया है, देह देह विभागो यम अविवेक कृतपुरा। ये जो तुम समझते हो कि जड़ वस्तु अलग है और चेतन वस्तु अलग है, दो चीज है। जैसे कोई समझे कि आकाश अलग है और नीलिमा अलग है, क्यों? देखो आकाश में तो रोशनी भी है जहाँ तक आंख देखती है, और जहाँ आंख नहीं देखती है वहाँ नीलिमा है, तो आकाश में रोशनी नीलिमा दोनों है। आकाश में रोशनी भी सच्ची है और नीलिमा भी सच्ची है। ना ना, नीलिमा आकाश के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो नीलिमा से आकाश का विवेक करो, नीलिमा क्या है और आकाश क्या है। तो नीलिमा से आकाश अलग तो जरूर है, परंतु नीलिमा आकाश से अलग कोई चीज नहीं है, इसलिए आकाश ही आकाश है, अद्वैत है। तो वेदांत में जो जड़ और चेतन का, अनात्मा और आत्मा का, इदम और अहम का जो विवेक किया जाता है, वो द्वैत सिद्ध करने के लिए नहीं है कि हम इससे अलग हैं और ये हमसे अलग है। ये छठे स्कंद में ये बात है, देह 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 विभागो यम अविवेक कृत पुरा। अनादि अविवेक से ये जड़ और चेतन का भेद भास रहा है। जाति व्यक्ति विभागो यम यथा वस्तुनि कल्पितः। जैसे मिट्टी में ये घड़ा है और ये किस्म किस्म के घड़े हैं, ये लाल घड़ा है, ये काला घड़ा है, ये सफेद घड़ा है, ये छोटा घड़ा है, ये बड़ा घड़ा है, ये 10 बरस रहे ऐसा घड़ा है, एक ही बरस में फूट जाए ऐसा घड़ा है, 1 बरस में और 10 बरस में फूटने वाला घड़ा, बड़ा घड़ा और छोटा घड़ा, शेर भर मिट्टी वाला घड़ा और 10 शेर मिट्टी वाला घड़ा। बोले ये सब मिट्टी में कल्पित है, मिट्टी में वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा में ये जो जड़ चेतन का विभाग है, बोला देह देही का विभाग नहीं है, ये जब तक अविवेक है, जब तक अविद्या है, तभी तक द्वैत भासता है, नहीं तो भासता ही नहीं है। अच्छा, दक्ष के बेटे से तो बंध नहीं चलाओ, क्या हुआ कि जब कोई बेटा हो तो नारद जी उनको चेला बना ले। तब दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, दक्ष ब्रह्मा जी के पास गया, तो महाराज हम तो नारद को साप दे देंगे। बड़ा नाराज, क्रोध आया दक्ष को, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग था, मार्ग में था, तो प्रवृत्ति मार्ग वाले जो होते हैं उनको अपने इष्ट की सिद्धि में बाधा पड़े तो क्रोध आता है। तो ब्रह्मा ने कहा, देख हम तुमको एक युक्ति बताते हैं, देखो क्या युक्ति है महाराज। कहा तुम बेटे मत पैदा करो, बेटी पैदा करो, तो बेटी पैदा करने से जी बिल्कुल चेला नहीं बना, क्योंकि बेटों को तो अपने साथ ले जाते हैं और उनको सिखा देते हैं भक्ति और ज्ञान, अब बेटियों को अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे बाबा जी, हैं? तो बेटी पैदा करो। तो फिर बेटी पैदा करके दक्ष ने ब्याह किया, उनसे सारी सृष्टि बनी। धर्म को 13, शंकर जी को तो सती का विवाह हुआ ही था, बहुत बेटियां 60। तो उसकी चर्चा अभी नहीं करते, वो वृत्ति रूप है, सारी की सारी कर्म वृत्ति रूप है। अब ये चर्चा करते हैं, देखो कि इधर इंद्र हुए, दक्ष की बेटी हुई, अदिति हुई, अदिति के इंद्र हुए, उसी वंश में इंद्र हुए। तो इंद्र को जब ऐश्वर्य मिला, ये देखो बाधक, क्या बाधक आया, जो स्वर्ग के राजा हो गए, बड़ा भारी सिंहासन। अब वो महाराज समझे कि हमारे बराबर और कौन, सभा लगी, देवता जुड़े, ये जरा है ना, अरे हमारे तो 5-5 बरस की कुर्सी वाले उन्मत्त हो जाते हैं, हैं? और जिनको एक मनवंतर के लिए इंद्र की पदवी मिल जाए तो उनकी तो बात ही क्या है। तो आए गुरु जी, बृहस्पति जी आए, तो इंद्र ने सोचा कि ये गरीब ब्राह्मण पंडित है तो क्या हुआ, हमारे समान इसको ऐश्वर्य कहाँ है। सिंहासन पर बैठे रहे और ऐसे बैठ गए जरा आंख टेढ़ी करके,
कि मालूम पड़े कि देखते ही नहीं है, ऐसा हो भागवत में ऐसे वर्णन है। तो बृहस्पति जी ने देखा कि ये हमारा चेला देखने के बाद न देखने का ढोंग कर रहा है। बोले कि अच्छा बेटा, बहुत तुम्हारे ऐश्वर्य बढ़ गया है। बृहस्पति वहां से अंतर्धान है। अब दैत्यों को मालूम हुआ कि इनके तो कोई गुरु पुरोहित नहीं है, किसी से सलाह नहीं लेते हो। पहले राजा लोग बड़े गुरुओं से सलाह लिया करते थे। गांधी जी राज्य से पृथक रह करके राज्य के हित का चिंतन करते थे। तो अब तो अपनी बुद्धि के आगे और कोई है ही नहीं, किसको देख के खड़ा हुए, किसको हाथ जोड़े, अपने से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अब देखो ये जो है ना, ये काल के कारण जो उनको स्वर्ग का साम्राज्य मिला, काल के कारण मिला और काल के अधीन मिला, और उसमें उन्होंने वो उपद्रव किया, गुरु का तिरस्कार कर दिया। अब गुरु को अंतर्धान करना भी भगवान की पुष्टि है। दैत्यों ने कर दिया आक्रमण, ऐश्वर्य का अभिमान बंद हो गया। फिर गए लोग भगवान के पास प्रार्थना की शरण में गए। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा ने सलाह दी विश्वरूप को पुरोहित बनाओ। ये कथा है, विश्वरूप पुरोहित बने तो उन्होंने भी छल किया, क्योंकि त्रिगुण था। फिर इंद्र ने विश्वरूप को मार डाला, तीन का वध हुआ, विश्वरूप का वध हुआ, फिर दधीची का वध हुआ, फिर वृत्रासुर का वध हुआ। ये तीन वध हुआ, तीनों में भगवान ने वृत्रासुर के मारण में ही वृत्रासुर का कल्याण है, क्योंकि उसका असुर स्वभाव जो था वो छूट गया। और दधीची जो थे ना, दधीची उनकी हड्डी में कितनी शक्ति थी, ये लोगों को दिखाना था कि भजन करने वालों में कितनी शक्ति होती है। और विश्वरूप ने नारायण कवच दिया इंद्र को, ये सब। फिर इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो वहां भी भगवान ने पुष्टि की। ये 14 अध्यायों में 14 प्रकार के ध्यान का वर्णन है। वृत्रासुर जो है, वृत्रासुर वो असुर होने पर भी भगवत भक्ति से युक्त है, उसके मारने में भी पुष्टि है, भगवान की कृपा है, अनुग्रह। भगवान की कृपा केवल जिंदा करने के लिए नहीं होती, मार के भी भगवान की कृपा उतरती है, उसको पहचानना चाहिए। चित्रकेतु का वर्णन है, उसको चाहिए था बेटा, चाहिए था बेटा, पर बेटा मिलने से कोई सुखी हो जाता है? आपको सुनाया था ना कि एक बाबा जी को, ये एक भिखारी को आप 5 रुपया दें, वो कहेगा आप 100 वर्ष जीवो, और ऐसे ही रोज रोज नहीं तो महीने महीने में हमको 5 रुपया देते थे, आपको 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दे देगा वो, है ना? आप अपने बेटे से 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद ले लो, दिल से कभी नहीं देगा। तुम्हारे मरने से जिसको फायदा होने वाला है, तुम्हारी मृत्यु से जिसको लाभ होने वाला है, वो कभी मौका पड़ेगा तो जार दे के भी मार सकता है, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहने से जिसको फायदा होने वाला है वो तुम्हारा हमेशा हितैषी होगा। तो अक्ल तो है नहीं, समझदारी जो है वो बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी चीज। बड़ा ही विचित्र हुआ, वृत्रासुर के बाद ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को, वहां भी भगवान ने रक्षा की, बोला भगवान का यजन हुआ, भगवान ने ब्रह्म हत्या से इंद्र की रक्षा की। चित्रकेतु राजा को चाहिए था बेटा, कि हम बेटे से सुखी होंगे, तो महात्माओं ने कृपा करके बेटा दे दिया, पर बेटा से सुख नहीं हुआ, दुख हो गया, बड़ा भारी दुख हुआ। अंत में उन्होंने तपस्या की, वो भी बड़ा विलक्षण प्रसंग है। फिर भी अभी बड़प्पन का अभिमान था तो शंकर जी से जाके बैठ गया, तो गौरी ने साफ दे करके है ना उसके ऊपर अनुग्रह किया। उस चित्रकेतु को गंधर्व योनि से असुर योनि में जाना भी भगवान की कृपा थी। ये सब का सब कालज ज्ञान है, परिस्थिति बदलने के लिए। और दिति के गर्भ में आए, दिति ने भगवान की आराधना की तो उसकी पुष्टि की। बड़ा बलवान है ना, उसके दिति का संकल्प था कि इंद्र को मारने वाला हमारे पुत्र हो। तो जब उसने भगवान की आराधना की तो वहां भी पुष्टि ले, ये भी अनुग्रह है। चलो फिर इंद्र को बुद्धि दी का वो भी अनुग्रह, वो उसके गर्भ में प्रविष्ट हुए वो भी अनुग्रह। 7 टुकड़े किए, 49 टुकड़े किए, और देवताओं का और दैत्यों का स्वभाव बदल करके देवता हो गया। ये भगवान की अर्चा का प्रभाव था।
तो दो अध्याय में बाह्य अर्चा और आभ्यंतर अर्चा का वर्णन है। भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो स्वभाव बदलने के लिए भगवान की पूजा, परिस्थिति बदलने के लिए भगवान का ध्यान है, और कर्म बदलने के लिए भगवान का नाम। अब इसका आध्यात्मिक रूप आपको बताता हूँ। ये ईश्वर को समझने के लिए भागवत में जो 10 युक्ति है, 10 युक्ति दी गई है ईश्वर को समझने के लिए। तो तीसरे स्कंध में सर्ग का वर्णन है, उसका अर्थ है जगत का उपादान कारण क्या है। जैसे घड़े में मिट्टी, ऐसे ये जगत रूप जो भांड है, ब्रह्मांड भांड, ब्रह्मांड रूप जो घड़ा है, इसमें मिट्टी क्या, विचार करो, सन्मात्र परमात्मा उपादान कारण। फिर चौथे स्कंध में विसर्ग का वर्णन है, विविध सर्ग का हेतु निमित्त कारण हो, कर्म फल दाता, कर्म फल दाता ईश्वर निमित्त कारण है, चिन्ह मात्र। तो निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही, ये बात चौथे स्कंध में बताई गई। पांचवें स्कंध में ये बात बताई गई कि वो स्थान का अधिष्ठान है, जितने भूगोल खगोल आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड में उनका अधिष्ठान है, आधार है, आधारत्व न ईश्वर का वर्णन है। जो संपूर्ण परिच्छिन्नताओं का आधार है, अधिष्ठान है, वो ईश्वर है। जो संपूर्ण परिच्छिन्नताओं का प्रकाशक है, वो ईश्वर है। जो संपूर्ण परिच्छिन्नताओं का उपादान है, वो ईश्वर है। छठे स्कंध में ये बात बताई गई, इसको अनुग्रह बोलते हैं। अनुग्रह माने अनुगति। जैसे प्रत्येक घड़े में मिट्टी है, वैसे कर्म में, काल में, स्वभाव में, देवता में, दानव में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, जीवन में, मृत्यु में, विजय में, पराजय में, विजय में, पराजय में, जैसे जागृत और सुषुप्ति दोनों में आत्मा की अनुगति है, जैसे पाप और पुण्य दोनों में आत्मा की अनुगति है, वैसे ईश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह माने अनुगति। जैसे करेले को भी पानी, पानी से सींचो तो हरा हो जाएगा करेले को, और गुड़ूची को सींचो तो वो भी हरी हो जाएगी, नीम को सींचो तो वो भी हरा हो जाएगा, आम को सींचो तो वो भी हरा हो जाएगा। अपने बीज बीज के अनुसार सभी चीजों में पानी अनुगत होता है, सभी बीजों को वो शक्ति देता है। इसी प्रकार चाहे कोई जड़ वस्तु होए, चर होए, अचर होए, मनुष्य होए, पशु होए, पक्षी होए, मिट्टी होए, पानी होए, सबसे अलग होने पर भी सब में अनुगत होकर जो सबको सत्ता पूर्ति प्रदान कर रहा है, उसका नाम ईश्वर। छठे स्कंध में अनुगत्य के द्वारा, अनुगति के द्वारा, अनुगति के द्वारा ईश्वर के स्वरूप का निरूपण हुआ। अब सातवें स्कंध में ईश्वर का निरूपण कैसे है, ये सर आपको सुनाएंगे।